खुदा की नजर में आए अचानक जिंदगी का एक बंदा ऐसा आ गया, आप विमल में चढ़ गए और बोले लोगों आज के पास से कयामत तक होने वाले वाकयात में से जो भी पूछो मैं जवाब दे देंगे। आज के बाद से कयामत तक के वाकया होने वाले वाकयात में जो भी पूछो फुल लिखने तैयार। एक बात है, जवाब देना आसान है, सवाल करना मुश्किल है। मैं जवाब देने को बताता समझता हूँ, मुश्किल चीज क्या होती है सवाल का जवाब करना। मैं आपके सबके सवाल में जवाब दे दूंगी, आप मुझसे बोलो सवाल करोगे तो मुझे तुमसे क्या जवाब दूंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा क्या पूछूं। सवाल करना बहुत बड़ी बात है, इंसान की कीमत मालूम होती है किससे? इंसान मुंह खोलकर सवाल करता है मुझे उसका सर, उसके इल्म, उसकी हालत, उसका ख्याल, उसका रुझान, उसका दिमाग, उसकी खानदान सब चीज़ मालूम है। सवाल के जरिए वो तमाम चीज़ों को जो सही बात में होता है, अभी खानदान वाला होता है, समझदार होता है, दीनदार होता है, वो सिर्फ वही बात पूछता है जिसकी उसे जरूरत है। जो कमीना होता है वो गुरु कैसे सवाल करता है, हम कौन मानते हैं तू तेरे वास्ते पूछ उनके वास्ते क्या पूछ रहा है। हम कौन कहते हैं ये कमीना आदमी है, इसे लोगों की फिक्र है अपनी फिक्र नहीं है। तो सवाल करना मुश्किल है, जवाब देना आसान। रसूल अल्लाह ने जब सवाल किया, जब ये फरमाया पूछो कयामत तक के वाकयात में से तुम पूछो मैं जवाब दे देने तैयार हूँ, तो लोगों को चाहिए था कि वो जरूरी बातों को पूछ लेते जो उनके लिए कयामत में जिन काम आते दुनिया में अच्छी तरह जिंदगी बसर करने के मौके उनको मिल जाते। वो बिना बात ये शख्स खड़े होकर पूछा मेरा भगवान बोल लोग उसके बाप के नाम पे जानते हैं, मशहूर है वो लोगों में, फलाना बेटा मशहूर है, और यहाँ सुना क्या करवा रहे हैं मस्जिद से नबवी की बात आई है, सहाबा से मस्जिद छोड़ी होती है। आदमी सवाल करके रुस्वा होता है, सवाल करकर क्या होता है रुस्वा नहीं हो रहा है। रसूल से क्या बात पूछनी चाहिए थी, क्या रसूल मुझे ऐसी बात बता दो कि मुझे निजात मिल जाए, ऐसा सवाल था उसे अमल करने का तो बच जाता था। पूछा कि मेरे बाप कौन है, रसूल ने जवाब दिया कि कोई चलवा जो घरों में पानी पड़ गया, नीचे मुंडी कर लिया, बहुत कुछ कर गया माँ के पास। माँ ने पूछा माँ तू तो कहती है कि मेरा बाप फलां है, हाँ मैं रसूलुल्लाह कहते हैं कि मेरा बाप दूसरा है। सच कहा माँ तुझे खुदा की कसम मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते, झूठे हो सकती है मोहम्मद उससे ठीक गया और तू पैदा हुआ तुम्हारे घर में सवाल दुनिया वालों को खबर नहीं रसूल फरमा रहे हैं, और वो बीवी वो औरत तस्लीम कर रही है, तो ये मतलब कि रसूल को इतना गैर नहीं था। हाँ ये बोल रसूल को नहीं था, अल्लाह ने जो मालूम कर दिया रसूल को है मालूम है, साथ ही नहीं था लेकिन भी सब चीज़ सीखा तक रसूल कयामत तक जो होने वाला है
वो सब तुमको बता देंगे तैयार हो, कुछ लोग मुझसे वहाँ तक भी बता देंगे तो जो रसूल कयामत तक के लिए बातें बताएगा वो मेहंदी के तरह से गलत बातें बताएगा। जब ये फरमाता है कि मेरी आमने फातिमा की औलाद से एक हस्ती पैदा होने वाली है जो लोगों को सही रास्ता बताएगी और फलां होगा फलां होगा फलां होगा, तो ये आपने जो बयान किया है ये सारी बातें गलत हो जाती हैं, सारी बातें सच्ची, क्योंकि रसूल ने जो कहा उमायंतु अनिल हवा, जो कुछ कहा आयत नसानी के तहत नहीं कहा, तो वो वही हुआ इल्ला वही हुआ, तो सब का सब उस वही की तरह तालुक से है, वही की बुनियाद है जो अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह की जाती है। तो किस दिन आकर विलायत खुदा की उस खुर्द का नाम है, मैं इसलिए कि कई तरह मैं इतना याद रखो कि विलायत का सभी बोल रहा हूँ तो दर्जा बदर्जा जाना चाहिए, और विलायत के माने जब अल्लाह से नजदीक होना है, विलायत के माने जब अल्लाह से नजदीक होना है, तो दूसरी बात क्या आपके समझ आती है, मैं रजियल्लाह के नजदीक हुआ तो माने क्या हो गए, दूसरों से दुनिया में है ही दो चीजें, एक अल्लाह है एक आलम है, मैं अल्लाह से नजदीक हुआ माने क्या आलम से दूर हुआ, क्योंकि ये इब्तदाई चीज है, सर मैं दूर हुआ अल्लाह कहता है आलम से तो तू दूर हुआ, मैं दूर हुआ कह रहा है, जब मैं ही अकेला हूँ तो मैं बोलने वाला कौन, तो फिर आगे चढ़कर बोला मैं खुदी से भी दूर हुआ, तो अल्लाह कहता है एक शख्स का दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन, आप लोग बोलते मैं, आप क्या बोलते मैं, बात तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बोले साहब मैं मुर्शिद, मैं दरवाजा कर बोलता तुमने मुर्शिद है तो मैं बोला, मैं अगर तू मैं बोला तो क्या होगा,
पकड़ा क्या होता है? नहीं, तो आप क्या करते हैं? कोड़ियां डाले, आंता निकाले, तब निकाल कर उसको जो है बनाते हैं तुरतुरी, उसे आवाज करो तो क्या होती है? तू तू, बहुत बड़ी अच्छी आवाज है सुनते ही। तो मैं बोलने वाला कहता है, तू बोलने वाले को लोग पसंद होता है। तो मैं मत करो, मैं ऐसा हूँ, उन्हें ऐसा है, नहीं नहीं मैं खुद नहीं हूँ, तुम नहीं कहाँ से बता सकता। तो खुदा के पास जो चीज क्या आई है वो तू है। तो यही बोला था, ये क्या बोला था, क्या था किसी को सवाल करने के तरीके से बोलता हुआ मैं जा रहा था। सवाल करना जी, सवाल करना जवाब दिया उसका। मैं ये जो बात बोला उसके बाद में जब तू है कहता है, अल्लाह पर्दा कहता है तू है। क्या कहता है? तू है। तू है। ये बहुत ही उसका मकाम है। तो मैं तो वली उस मकाम पर जब पहुंचता है तो किसी न किसी हद तक उसमें मैं पना माने कहता है। इसलिए मैंने बहुत ने फरमाया पना मिला। मैं ये भी आपके दर्जा मत समझो। उसके बाद बहा दिल्ला उसके बाद जो हो रहा है उसको मां के मुझे उसमें ये होता है मैं और तू का फर्क पानी दे रहता है। फिर कोई ये नहीं कर सकता ये मिला है और उन्हें मिला है, ये मिला है और उन्हें मिला है, नहीं कर सकता। मेरे साहब के पास किसी ने कहा कि हम भी नहीं कहते हैं और उन्हें को जिंदा करते हैं। मैं बना तो बोलो दुआ हम भी नहीं मेरे रूप से उठ जा तो यहाँ मैं बाकी रहा। इससे अच्छा तो ईसा कहते थे तुम मेरी अल्लाह मैं बने की नगरी थी और अल्लाह ताला को बाकी रहना। तो रियायत की जो आखिरी श्रेणी होती है उसमें बंदा अपने आप को मान देता है और ये कमाल इश्क है। और ये कमाल इश्क है। मजनू को पुकार के लोग मजनू मजनू जवाब देता नहीं था, न उधर पलट कर देखता था न जवाब देता था। कोई छेड़ने के लिए बोला लैला तो फौरन जवाब देता। मालूम ये हुआ इतना फना हो गया था कि अपना नाम भी भूल गया था। इसलिए मेरे बाबू फरमाते हैं जब तक तुम किस्म को नहीं भूलते उस वक्त तक तुम खुदा को नहीं भूल सकते। क्या भूल जाना चाहिए? किस्म, अपना नाम। क्यों क्यों? माँ बाप का क्या हुआ है वो क्या है वो बच्चा पैदा हुआ था तो माँ बाप क्या करते हैं? नाम रखते हैं। वो नाम किसका दिया हुआ है? माँ बाप का। कहीं को दिया हुआ है? पहचान माँ बाप का दिया हुआ नाम है। तू उसी नाम को लेकर चल रहा है मैं वो हूँ नहीं विलायत कहती है ऐ नाम को उससे अलग रखने वाले तू पहचान अपने नाम को छोड़ दे। फिर तेरा असल नाम क्या है? पहले तू अब्दुल्ला बन जा, पहले तू अब्दुल्ला बन जा, फिर असलियत को खत्म करता जा। फिर क्या है वो मत बोल, चिंता बोल मैं अब्दुल्ला को नहीं हूँ। फिर क्या है? अल्लाह जानता है। ये विलायत की आखिरी श्रेणी कहते हैं। और जब विलायत है तो करामत भी है। मगर जिस तरह नबी के लिए मौजदा शक नहीं है, याद रखो मेरी बात, नबी के लिए मौजदा शक नहीं, मौजदा नहीं बताए तो नबी भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह विलायत के लिए करामत मौजदा करामत शक नहीं है, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बहुत से अल्लाह ऐसे गए कोई करामत नहीं हुई,
अब वो सिद्धियों से बढ़ने में कोई वही हो सकता है नबी के बात कर रहे वही वही होता है ना, तो अब वो सिद्धियों से बढ़कर उनके हाथ पर हो जाती है, जब अल्लाह चाहता है तो हो जाती है, वह जरूरी नहीं है। तो क्या हमारे पास मजहबिया तालीमात में तो ये कहा गया है कि जो शख्स जो वली जो शख्स कयामत बताता है वो खुदा से दूर हो जाता है, वो खुदा से दूर हो जाता है। इस वास्ते हमारे पास के बुजुर्ग कयामत बताते नहीं, उनकी कयामत नहीं, इल्ला ये कभी कभी कयामत साबिर हो जाए, क्या हमें बताते नहीं क्योंकि अपनी राय को